नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। और मैं हूं आपका दोस्त जीत ठाकुर, और एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल किंग्स पिजन में। वैसे तो मेरे चैनल का नाम है किंग्स पिजन, लेकिन आज आपको दिखाने में जा रहा हूं किंग्स डॉग। जी हाँ भाइयों, ये है वर्ल्ड चैंपियन डॉग। इसका नाम एल डब्ल्यू बर्कस्टार, और ये रॉटविलर प्रजाति का कुत्ता है, डॉग है। और ये देख लीजिए भाई, ये डॉग। और ये है हमारे भाई प्रिंस त्यागी जी उर्फ राहुल जी। राहुल भाई, पहले तो आपका स्वागत है, और सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि ये डॉग आपने कब लिया है और इसके नाम पे कितने प्राइस हैं अभी तक। ये मैंने 2012 के अंदर इंपोर्ट किया था जर्मनी से, बोस्निया हर्जेगोविना से। जी जी जी। इसके ब्रीडर है एलन कोटोविक, मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड है। जी जी जी। उसके बाद 2012-13-14 ये रॉटवेलर ऑफ द ईयर रहा, और 13 के अंदर ये ऑल ब्रीड के अंदर डॉग ऑफ द ईयर 10th रैंक पे लेके आया। क्या बात है। और क्या इसको मतलब इसके प्राइस क्या है अभी इंडिया में, अगर इसको अगर हम 22,000 यूरो का लिया था ये। ओके। और मेरे को इंडोनेशिया से बहुत अच्छा ऑफर था जी, लेकिन मैंने दिया नहीं क्योंकि इसने मेरा बड़ा सम्मान किया। क्या बात है, आपको तो इसने ऑल ओवर इंडिया का तो टॉप लेवल का टॉप रैंक का डॉग है अभी तक। ऐसा डॉग है जो सबसे पहला ग्रैंड चैंपियन बना है रॉटविलर के अंदर, सबसे पहला डॉग है ये इंडिया का रजिस्टर्ड। क्या बात है भाई। और देखिए ये देख लीजिए भाई, वाह। अभी भी हिस्ट्री में ऑल ब्रीड के अंदर कोई डॉग ऑफ द ईयर नहीं रहा, ये अकेला है सर। ये आपकी बात भी सुनता है? हाँ जी। इसको सिट। और ये देखिए भाई, सिट बोलते के साथ ही सिट हो गया ये तो, और इसको देख के तो अच्छे अच्छों की बोलती बंद हो जाए। क्या डॉग है, मसल्स की बात कीजिए। पास में आऊं? मुझे भी डर लग रहा है एक्चुअली। और ये देखिए भाई, क्या बात है। एबी। मैं आपको फीमेल दिखाता हूँ। और इसकी खुराक की भी थोड़ी बात कर लेते हैं हम लोग। इसका मेरा फूड आता है फर्मिना का फूड है, मैं वही खिलाता हूँ। पहले मैं रॉयल कैनन खिलाता था जी, हमेशा इसका डॉग फूड आता है वही खिलाता हूँ मैं इसमें। तो ये 400 ग्राम रोज का इसका खर्चा है, जो करीबन हमारे को 300 रुपए किलो के करीब बैठता है। 300 रुपए किलो? हाँ, रोज का 150 रुपए का तो इसका ये खर्चा है। और फिर इसके साथ ये मीट वगैरह एक्स्ट्रा खाता है जी। सारा इसके एसी रूम कैनल वगैरह सारे बनाए हुए। ये देखिए भाई, एसी रूम में रखा हुआ है यहाँ पे अंदर। ये देखिए, फिर आपको दिखा देता हूँ। और कितने साल से आपने इसको रखा हुआ है आपके साथ? मेरे पास इसको भी, मैं 2012 में लाया था, 5 साल हो गए मेरे पास 2005 से। और इसकी अभी कीमत भी कुछ लगी हुई है? कीमत काफी लगी, मैं इसको सेल नहीं करूंगा। लास्ट इसकी कितनी कीमत लगी हुई है? कीमत मेरी इंडोनेशिया से मेरे पास इसके ऑफर थे, मेरे को करीबन 22-23 लाख रुपए उस वक्त वो दे रहे थे। जी जी जी। और एक यूएसए का था, मेरे को 40,000 यूरो तक ऑफर थी, पर मैंने बेचा नहीं। 40,000 यूरो मतलब ये तो 40 लाख के भी ऊपर हो गया। उसको ब्लॉक लिस्ट में डाल दिया क्योंकि उसने मुझे परेशान कर दिया था बेचने के लिए, मैंने बेचा नहीं था। तो इसने मेरा नाम बहुत किया इंडिया में। क्या बात है भाई, ये देखिए भाई। और ये एग्रेसिव भी बहुत होते हैं रॉटविलर तो है, लेकिन बट ये नहीं है, ऐसा नहीं है। और आपने एक बार जो ट्रेनर इनके लिए आए थे पूना से, अमित कड़ूरा मेरे दोस्त से पूना। जी जी जी। तो उनके रोज की क्या फीस होती है? उनकी एक शो के अंदर अगर एंट्री करनी है तो 20,000 रुपीज पर रिंग, दो रिंग के लेते हैं। दो रिंग में शो। सिर्फ डॉग को हैंडल करने के, कुत्ते को हाथ में पकड़ने के सिर्फ? हाँ जी। क्या बात है भाई, तो इतना सारा खर्च, और उसके बाद में ये जो डॉग देख रहे हैं आप, देख लीजिए भाई एक बार फिर आपको दिखाता हूँ ये डॉग। क्या बात है, ये देख लीजिए, पूरा दिखा देता हूँ आपको। ओ, ये देखिए भाई, इसके साथ फीमेल भी है। फीमेल भी आपको दिखाएंगे हम, वो भी चैंपियन फीमेल, जर्मनी से इम्पोर्टेड। और एक बार फिर इसके जो नाम पे जो अवार्ड है उसके एक बार फिर आप बखान कर दीजिए हमारे सामने। एल डब्ल्यू बर्कस्टार, आप गूगल पे भी सर्च करके इसके सारे अवार्ड देख सकते हो, इसकी ट्रेनिंग देख सकते हो। क्या बात है, गूगल पे आप सर्च कर लीजिए भाई तो आपको दिख जाएगा पूरा। उसकी फीमेल देख लेते हैं हम।